पिछले तकरीबन 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के बीच किसानों ने आज रेल रोको अभियान का आह्वान किया था, तो वहीं इसके चलते अलवर में भी किसान बिल का विरोध कर रहे किसानों ने रेल पटरियों सहित रेलवे स्टेशनों पर पहुंचकर अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से जताया, जिसके तहत मुंडावर तहसील के अजरका रेलवे स्टेशन पर भी किसानों का जमावड़ा काफ़ी देखा गया। साथ ही दोपहर 12 से 4 तक रेल रोकने का कार्यक्रम रहा। वह 1 से 3 बजे तक इंटरसिटी एक्सप्रेस को ट्रेनें बरेली भुजका इस रेलवे ट्रैक से निकलने का समय था, जिसे देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल RPF, GRP व RAC के जवान पुलिस बल अजरका स्टेशन पर मौजूद रहे। तो वहीं अजरका स्टेशन पर किसानों ने मौजूद अधिकारियों को फूल देकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने व स्टेशन मास्टर को इस दौरान उन्होंने बताया कि दोपहर 12 से 4 बजे तक आने वाली ट्रेनों को प्लेटफॉर्म से पहले ही रोके या अन्य किसी भी स्टेशन पर रोका जाए, यदि नहीं रोकी गई तो ट्रेनों को किसान स्वयं ट्रेनों को रोकेंगे। तो वहीं मालाखेड़ा में रेलवे पटरी पर बैठे किसानों के चलते जैसलमेर से जम्मू तवी जाने वाली मालाडी इंटरसिटी एक्सप्रेस किसान आंदोलन को देखते हुए राजगढ़ ही रोक दी गई। साथ ही मालाखेड़ा में किसान ट्रैक पर भी तय समय के दौरान मौजूद रहे, जहां पर पुलिस प्रशासन व GRP, RPF सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ अलवर जिले के मालाखेड़ा व मुख्य अलवर रेलवे जंक्शन पर भी मालगाड़ियों का गुजरने का दौर एक बारगी जारी देखा गया। तो वहीं इस दौरान रेलवे पुलिस स्थानीय प्रशासन द्वारा रेल रोको आंदोलन को देखते हुए पूर्ण इंतजाम किए गए थे। जिले में आज ट्रांसपोर्ट यूनियन की ओर से आज पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में ट्रांसपोर्ट नगर से मुख्य मार्ग होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई और जिला कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। तो वहीं इस दौरान हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने मीडिया को बताया कि पिछले 1 साल से डीजल 25 रुपये महंगा हो गया और पेट्रोल राजस्थान में 100 रुपये के पार हो चुका है। इसी क्रम में आज ट्रांसपोर्ट व्यवसाय ने जिला कलेक्टर नंदमल पाड़िया को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जो पिछले लगातार 1 साल से करीबन 20 से 25 रुपए डीजल बढ़ चुका है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर से ऊपर पहुंच चुका है राजस्थान के अंदर और बाकी अन्य राज्यों में भी 90 रुपए 91 रुपए के करीब पहुंच चुका है। इस समय जो कोरोना महामारी से जनता त्रस्त थी, जूझ रही थी, किसी के व्यापार खराब हुए, किसी की नौकरियां गई और उसके ऊपर ये जो कुठाराघात रोज दिन पर दिन 30 पैसे 40 पैसे 1 रुपया डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ते जा रहे हैं और हमारी ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मैं इन दोनों सरकारों से निवेदन करूंगा कि ये एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण ना करके हम जनता को इससे राहत दे और एक दूसरे के ऊपर बहाना ना बनाए कि वो कम करे या वो कम करे। तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में शहर के हृदय स्थल होप सर्कस पर महिला द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। तो इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बड़ी संख्या में महिलाओं ने विरोध प्रकट किया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की पदाधिकारी मधु जैन ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमत में जिस तरीके से बढ़ोतरी की जा रही है वह आम जनता के हित में कतई नहीं है। ऐसे में लोग बेरोजगारी का जब सामना कर रहे हैं, ऐसे में बढ़ती महंगाई उनकी कमर तोड़ रही है। इधर शराबबंदी की पहल करने वाली प्रेमलता का कहना है कि मंदी की मार झेल रहे आमजन के माथे पर रसोई गैस के बढ़ते हुए दाम वज्रपात का काम कर रहे हैं। गेहूं तो मिल जाते हैं पर आदमी भोजन पकाएगा कैसे जब घरेलू गैस सिलेंडर इतने महंगे हो रहे हैं और सब्सिडी भी नहीं आ रही है। तो देखा आपने, इस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई को लेकर अब जनता सड़कों पर आ रही है और कहीं ना कहीं सरकार से नाखुश नजर आ रही है। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर का। जिले में पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत सदर थाना पुलिस ने छठी मिल के पास एक युवक को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने मीडिया को बताया कि जुबेर खान उम्र 27 साल जाति मेव को गिरफ्तार किया गया है और अभी आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है।
आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए प्रतिज्ञा न्यूज़ नेटवर्क।